हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदीश व्यास। आज के इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि पतंगों को आसानी से कैसे काटें। चलिए सीखने से पहले हम पता कर लेते हैं। ब्लू कलर की पतंग हमारी नीचे से है और ब्लैक कलर की पतंग हमारी ऊपर से है। धागे के हम कंडीशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेयर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका अपोनेंट क्या कर सकता है। मान के चलिए अगर आपका अपोनेंट केवल बाहर की तरफ खींचता है और आपको उस टाइम पर क्या करना होता है, आपको केवल पतंग को नीचे की तरफ, जैसे आप पतंग का फेस देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको पतंग को नीचे की तरफ ताकत से खींचना होता है। अगर आपका अपोनेंट बाहर की तरफ पतंग खींचता है तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो का कौन कौन इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों आप यकीन मानिए, इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा एक दिन लग गया, जहाँ पे मुझसे कई मिस्टेक हुई, जहाँ पे मैंने कई चीज़ों को अपडेट किया। तो होप आप मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप सभी के कमेंट के अनुसार हम टेक्निकल पेज सीखते हैं। मान के चलिए आपका अपोनेंट नीचे की तरफ से है, रेड कलर की थेड़ है, और आपकी पतंग ऊपर की तरफ से, आपने इस तरीके से गद्दा मारा, आपका अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ खींच रहा है, ध्यान रखिए तब आपको अपनी पतंग को वापस उसी के हाथ की तरफ यानी जस्ट अपोजिट की तरफ जोर जोर से पतंग को झटकना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जोर जोर से झटकना है आपके अपोनेंट की तरफ। ठहरिए भैया, रुकावट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह वीडियो आपका अपोनेंट यानी शत्रु भी देख रहा होगा। उससे पहले आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर टैग करें जिन्हें आप पेज सिखाना चाहते हैं। अच्छा, आजकल क्रॉस वाला पेज बहुत चल रहा है, तो जब दोनों ही क्रॉस खींचते हैं तो भैया मिस्टेक किससे होती है, तो आज हम उसे क्लियर करने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जब आपका अपोनेंट पतंग को नीचे की तरफ बाहर की तरफ खींचता है तब आपको क्या करना होता है, आपकी अपनी पतंग को जब आप ऊपर की तरफ से लड़ा रहे होते हैं तब आपको पतंग को बाहर की तरफ खींचना होता है, लेकिन हल्का सा गिरता हुआ। रेड कलर के मार्क दिख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर, उसकी तरफ जिगजैग नहीं खींचना है, हल्का सा नीचे की तरफ गिरता हुआ। एक चीज़ का आपको हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जब भी आप पतंग ऊपर से लड़ाएं तो आपके अपोनेंट से आपकी पतंग आगे होनी चाहिए। दोस्तों हेटर्स का जो भी काम है आप उन्हें करने दीजिए, मैं रात को आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, सुबह आप सभी का मुझे प्यार मिल जाता है। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। मिलेगा ना इस वीडियो का आप सभी का प्यार, डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा, एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका अपोनेंट रेड कलर का थ्रेड से पतंग उड़ा रहे हैं और वो नीचे की तरफ से है, और आपकी पतंग है ब्लू कलर के थ्रेड से ऊपर की तरफ से आप पेज को लड़ा रहे हैं, तब आपको पतंग को क्या करना होता है, अगर आपका अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ तेज़ी से खींच रहा होता है रेड कलर के एरो में, आपको डायरेक्शन आपको ब्लैक कलर के एरो से मिल जाएगी, आपको उस टाइम पे ऊपर के पेज पे अंदर की तरफ इस तरीके से खींचना होता है। अगर आपका अपोनेंट, जब हम जानते हैं, बाहर की तरफ खींचेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप आसानी से खींच सकते हैं। चलिए आपको अब हम दूसरा पेज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका अपोनेंट दूसरे पेज में अलग तरीके से लड़ाए तो हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस पेज के अंदर हम अपने दो पेज क्लियर करने वाले हैं। अगर आपका अपोनेंट नीचे की तरफ से और बहुत तेज़ खींचता है तब आपको क्रॉस गद्दा मारना होता है। क्रॉस गद्दा किसे कहा जाता है देख सकते हैं आप पिंक कलर के एरो से आसानी से समझ सकते हैं। इस डायरेक्शन में आपको पतंग खींचनी होती है ताकत से। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका अपोनेंट पतंग का फेस चेंज कर देता है लेकिन उसका जो फेस की कंडीशन बाहर की तरफ होती है, अगर आपका अपोनेंट बाहर की तरफ खींचता होता तब आपको क्या करना होता है, अपनी पतंग का फेस चेंज करना होता है, वो नीचे ज़मीन पर ताकत वाला गद्दा खींच देना होता है। मतलब समझ रहे हैं, नीचे की तरफ आपको अपनी पतंग का फेस उतारना है, वो भी ताकत से, जैसे कि आप वीडियो के अंदर आसानी से देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बहुत ताकत से पतंग को नीचे खींचनी होती है अगर आपका अपोनेंट बाहर खींच रहा होता है। तो बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया है या नहीं, बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। उससे पहले आप इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करना जो काइट फाइटिंग सीखना चाहते हैं।